नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार साहू, पीके साहू सीजी फ्री कोचिंग में आप सबका स्वागत है। मैंने साइंस का टॉपिक लिया है आज मेरा पहला वीडियो में। इस टॉपिक में मैंने लिया है शीघ्र सिरका विधि, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सीजी बोर्ड के आधार पर। मैंने देखी इस पुस्तक से लिया हुआ है विज्ञान, जो कि सीजी बोर्ड से है, और उसी के आधार पर मैं ये टॉपिक आपको समझाऊंगा। और ये जो टॉपिक है लगभग 95% आने की चांस रहती है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही टॉपिक लिया है आपके लिए, और शायद आपको पसंद भी आएगा और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने छोटा सा मैंने इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि आप इसी प्रकार से लिखेंगे और बनाएंगे तो आपको 100% 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस विधि में बनाया क्या जाता है। इस विधि में एथनोइक अम्ल बनाया जाता है। प्रश्न ही इस प्रकार से आता है कि एथनोइक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, शीघ्र सिरका विधि का वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। देखिए इस विधि मैंने लिखा है इसको किस प्रकार से बनाया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पात्र का वर्णन करना पड़ेगा। मतलब इस पात्र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए किस प्रकार से पात्र होती है। तो देखिए इसमें एक बाल्टी में पात्र लेंगे आप, इस प्रकार से बाल्टी जिस प्रकार उसी आकृति में रहेगा। ये आकृति जिस प्रकार से दिख रहा है इसमें आप देखेंगे ये पात्र आपको लेना है वो छिद्र युक्त हो, ताकि यहाँ से वायु प्रवेश किया जा सके। ठीक है, देखिए विधि में हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इस विधि से हम एल्कोहल को किण्वन के माध्यम से एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करेंगे, और इसमें जो बर्तन को उपयोग किया जाएगा वो इस प्रकार से होना चाहिए कि इसमें वायु का प्रवाह हो सके, मतलब छिद्रित होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पात्र में आप लकड़ी लकड़ी के छीलन लेंगे। ये देखिए लिखे लकड़ी का ये छीलन लेंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे इसमें अमोनियम सल्फेट साथ में इनके डालेंगे, दोनों को एक साथ करके डालेंगे। और जो लकड़ी का छीलन जो हो याद रखिएगा वो एसिटिक अम्ल के से भीगा होना चाहिए, मतलब उसको डुबा कर उसके छीलन को भरा जाता है इसमें। ठीक, और जैसे हम इस छीलन को इसमें डालेंगे जस्ट उसके पश्चात हम क्या करेंगे 10% का मतलब क्या होगा, जितना हम डालेंगे उनका 10% हम क्या लेंगे, आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एथेनॉल, मतलब इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोला जाता है, एथिल एल्कोहल। सूत्र देखिए इसे क्या लिखा है, C2H5OH, इसकी सूत्र होती है। इसको हम क्या करेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पे डालें। ये विधि है ना, विधि मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ आप वैसा लिखिएगा। यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं C2H5 को धीरे धीरे करके यहाँ डालेंगे। जैसे धीरे धीरे डालते दोनों का संयोग होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ इसके निचले हिस्से पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिक अम्ल, जिसकी जिसको क्या बोला जाता है IUPAC नाम के रूप में देखा जाए, इसको बोला जाता है एथनोइक अम्ल। देखिए इसको दोनों याद रहना चाहिए, प्रणाली नाम भी साधारण नाम भी याद होना चाहिए और आपको IUPAC नाम भी याद रहना चाहिए, ताकि आप दोनों की दृष्टि से आप उसको पढ़ सके और बना सके। कई लोग क्या करते हैं एथनोइक अम्ल क्या होगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम भी पता नहीं होता कई लोगों को, मैंने देखा है। तो आपको याद होना चाहिए इसको सिरका भी बोला जाता है जो एथनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है उसको, है ना। और जो मैंने जो यहाँ पे ये शब्द बोला है कि एल्कोहल को किण्वन के माध्यम से एसिटिक अम्ल बनाया जाता है, इसमें आपको समझना होगा किण्वन होता क्या है ना। किण्वन के जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो जटिल कार्बनिक यौगिक का आंशिक अपघटन करता है, और आंशिक अपघटन करते करते इसको सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझे, मतलब एथनोइक अम्ल क्या होगा, जटिल कार्बनिक यौगिक होगा कि सरल कार्बनिक यौगिक होगा, सरल कार्बनिक यौगिक। क्यों, क्योंकि वो किण्वन के माध्यम से एथनोइक अम्ल बनाया जा रहा है, तो सीधी से बात ही कार्बनिक यौगिक होगा। अब जब ये एसिटिक अम्ल जब प्राप्त होता है जब इस विधि से, है ना। देखिए यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का सूत्र भी लिख दिया हूं मैं, अमोनियम सल्फेट NH4 कोष्ठक के बाद 2SO4 अमोनियम सल्फेट।
ठीक, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है जो 10% डाला जाता है C2H5, और सबसे निचले हिस्से में को सिरका प्राप्त होता है। लेकिन सिरका जो प्राप्त होता है उसमें साथ में क्या होती है, जल भी प्राप्त होता है। आपको रासायनिक संकरण लिखने के लिए आता है तो यहाँ पे मैंने रासायनिक संकरण दर्शा दिया है। देखिए लिखा है एथेनॉल, ये क्या हो गया आपका एथिल एल्कोहल, मतलब एथेनॉल है ना, और ये वायु प्रवेश कर रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में एस्बेस्टस वेक्टर बैक्टीरियम उपस्थित रहता है, जो हमने छिलन जो डाला गया है उसमें उपस्थित रहती है। इसको उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन उसके प्रोसेस को एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है लेकिन स्वयं भाग नहीं लेता उसमें। ठीक, तो CH3COOH H2O मतलब ये जल युक्त है। जल युक्त क्या है, ये सिरका है, इथेनॉइक अम्ल है ना। अब हमको शुष्क CH3COOH यदि प्राप्त करना है या कहा जाए कार्बनिक यौगिक है या नहीं, ये जानकारी आपको लेना है। तो इसके लिए जांच यदि आपको करना है, जानकारी के लिए जांच करना है, तो देखिए यहाँ पे उस शुष्क का CH3COOH एसिटिक अम्ल में अब क्या डाल देंगे, सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे। जैसे आप सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैस तो निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में क्या निकलेगा, बुदबुदाहट के साथ निकलेगा, क्या गैस, गैस बुदबुदाहट के साथ निकलेगा। तो समझ जाना कि एसिटिक अम्ल जो इसमें कार्बनिक यौगिक है। अब देखा जाए क्वथनांक, क्वथनांक कभी कभी पूछ देते हैं कि एसिटिक अम्ल का क्वथनांक कितना है, तो मैंने सभी लिख दिया है, सभी में लिख दिया है, सेल्सियस में लिख दिया है, केल्विन में लिख दिया है, और फारेनहाइट में। देखिए 118 सेल्सियस, 391 केल्विन और 245 फारेनहाइट। उसी प्रकार से गलनांक, गलनांक क्या है, 165 सेल्सियस, 290 केल्विन और 62 फारेनहाइट। अब क्वथनांक आपको इतना भी समझ आना चाहिए, क्वथनांक होता है क्या, जिस अंश पर जिस ताप पर वो क्या होता है, उबलता है, वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है, गलनांक जिस पर वो गलना शुरू होता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये सभी मैंने छोटे टॉपिक में बताने की कोशिश किया हुआ है। आप इसको बार, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, और जैसे आप एग्जाम बोर्ड में जाएंगे आप इन्हीं रूप में लिखते हैं तो आपको निश्चित ही 4 से 5 नंबर मिलेगा। बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही सुंदर तरीके में इसको बताने की कोशिश किया है। मेरे भाषाएं में कुछ त्रुटियां आ सकती है क्योंकि पहला वीडियो है, और मुझे नर्वस भी महसूस हो रहा है क्योंकि ये, चलिए कोई बात नहीं, इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं, और चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को दूसरों को भी दिखाइए, स्वयं भी देखिए, और 10वीं वाले जितने भी आपके साथी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, उनको बिल्कुल दिखाते जाइए, है ना। मैं डेली मतलब रोज इसी प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक लूंगा जो एग्जाम के, जैसे सीजी जो बोर्ड है ना, छत्तीसगढ़ जो बोर्ड है, उसी के आधार पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आप ही की बुक को लिया हूँ, मैं कहीं से बाहर से नहीं पढ़ाऊंगा, और इसी के आधार पर आपको समझाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा चैनल देखिए AIMMPKSAHU सीजी, आप निकालिए और देखिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।